हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लाई हूँ जो कि हमारी बिगनर्स के लिए है, जो कि बिल्कुल अभी नई नई निटिंग जिसने सीखी या सीख रहे हैं तो उनके लिए है। और आज हम सीखेंगे कि जाली हम निटिंग में कैसे बनाएंगे। तो हमें बहुत सी ऐसी डिज़ाइन मिलती है बनाने को या देखने को, बहुत अच्छी लगती है जिसमें जालियाँ बनी होती हैं। तो आज हम उन्हीं जालियों को बनाना सीखेंगे कि कैसे जाली बनती है। तो देखिए, मैंने ऐसे ही बस कुछ फंदे डालिए आपको दिखाने के लिए कि हम जाली कैसे बनाएंगे। तो जाली जब हम बनाते हैं तो फंदे इंक्रीज होते हैं। तो देखिए, मैं बनाऊंगी, आप देखिए कैसे बनती है जाली। जैसे हमने दो फंदों के बाद जाली बनानी है तो मैंने दो फंदा बुन लिया। अब हम ऊन आगे करेंगे और फिर हम फंदे बुनेंगे। दो फंदा फिर से बुन लिया। तो देखिए, यहाँ पर ये जो ऊन आगे किया था, यहाँ पे हमारी जाली बन जाएगी। तो फिर से वैसे ही करेंगे, ऊन आगे करेंगे और दो फंदे बुनेंगे, तो ये हमारी जाली बनती हुई जाएगी। तो जाली बनाने का सबसे आसान तरीका यही है कि ऊन आगे कर कर हमें बुनना है और जाली हमारी बनती जाएगी। फिर से हम ऊन आगे करेंगे, दो फंदे बुनेंगे, फिर से ऊन आगे करेंगे, दो फंदे बुनेंगे, तो ये हमारी जालियाँ बनती हुई जा रही है और फंदे भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ये तो एक डिज़ाइन हो गई जिससे कि हम जाली बना रहे हैं लेकिन इसमें फंदे भी बढ़ रहे हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी डिज़ाइन होती है जिसमें हमें जालियाँ भी बनानी हैं और हमें फंदे भी नहीं बढ़ाने। तो ये तो देखिए, ये पहला तरीका हो गया। अब जो उल्टी सिलाई है, मैं उसे उल्टी बुन लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ दूसरा तरीका। तो इसे मैं उल्टा बुन लूँ, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हम दूसरे तरीके से जाली कैसे बना सकते हैं। अब ये देखिए, ये मैं उल्टी सिलाई बुन रही हूँ उल्टा। तो देखिए, ये यहाँ पे जो हमने ऊन आगे करके ये फंदा बनाया था, तो इसे भी हम ऐसे बुन लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से बुन लेंगे तो ये हमारी जाली बन जाएगी। फिर से हम दो फंदे सीधे बुनेंगे, सॉरी उल्टे बुनेंगे, और फिर से देखिए वही फंदा आ गया। तो ये हमारी जालियाँ बनती हुई जा रही हैं। तो सबसे आसान तरीका, जब हम निटिंग सीखते हैं तो सबसे पहला तरीका हम कहेंगे कि ये जाली बनाने का है। जैसे हमने ऊन आगे किया वैसे इसमें जाली डाली गई। अब हम दूसरा सीखेंगे कि दूसरी तरीके से हम जाली कैसे डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे, ये देखिए हमारी जालियाँ बन गई। ये देखिए, ये आपको दिख रही होगी। तो यहाँ पे जो जालियाँ बनी हैं इससे हमारे फंदे बढ़ गए, क्योंकि हमने फंदे घटाए नहीं थे, सिर्फ हमने आगे ऊन कर कर जाली बनाई थी। तो अब हम देखिए एक और तरीका देख लेंगे। फिर से जैसे हमें दो फंदों के बाद बनाना है जाली, दो फंदे किए, अब हम क्या करेंगे कि ऊन को इस तरीके से इस पे लपेट देंगे। पहले हमने आगे किया था तो अब हम एक बार सिलाई पे लपेट देंगे ऐसे कर कर, और फिर हम दो फंदे बुनेंगे। दो फंदे बुने, फिर से जाली डाली, फिर से हम ऊन लपेटेंगे, फिर से दो फंदे बुने, फिर से जाली डालनी है, फिर से ऊन लपेटेंगे हम, फिर से दो फंदे बुने, फिर से जाली डालनी है, फिर से बुनेंगे। तो ये जो हम ऊन सिलाई पर लपेट रहे हैं तो इससे हमारी एक जाली बन रही है और फंदे भी हमारे बढ़ रहे हैं, पहले भी बढ़ गए थे। देखिए, ये देखिए जो पहले वाली जाली है, देखिए कितनी खूबसूरत सी बिल्कुल गोल गोल सी बनी है। तो ये बहुत आसान है। पहले जब मुझे भी निटिंग नहीं आती थी तो मैं भी देखती थी तो सोचती थी कि ये कैसे बनती है, लेकिन जब आप बनाना सीख लेते हैं तो आपको सब कुछ आसान लगने लगता है। तो ये हमारा दूसरा तरीका हो गया जाली बनाने का, लेकिन इसमें हमारे फंदे बढ़ गए। तो जब हमें जाली भी बनानी होगी और फंदे भी घटाने होंगे, बढ़ाने नहीं होंगे,
तो हमें देखिए क्या करना होगा। तो अभी तो ये मैंने ये दो तरीके बताए आपको, तो अब मैं उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुनकर फिर आपको बताती हूँ कि हम ऐसे जाली कैसे डालेंगे जिसमें फंदे हमारे ना बढ़े। तो उल्टी सिलाई मैं उल्टी बुन लेती हूँ। जो ये तरीका मैंने बताया है ऊन को सिलाई पर लपेट कर जाली बनाना, तो देखिए इसमें हमारी जाली कैसे दिखती है उल्टी साइड से। ये दो फंदे हमने उल्टे बुन लिए। अब ये देखिए ये जो हमने ऊन लपेटा था सिलाई पे ये है, तो हम इसको इस तरीके से बुनेंगे ऐसे। ये देखिए ऐसे बुना तो ये हमारी जाली बन गई। ये देखिए ये जो ऊन हमने सिलाई पे लपेटा था ये है, तो ये हमारी यहाँ पे जाली बन गई। तो ये हमारी उल्टी सिलाई इस तरीके से बनेगी। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम जाली भी बनाएंगे और फंदे भी ना बढ़े, तो वैसे हम कैसे बना सकते हैं। तो उसमें मैं आपको दो तरीके बताऊंगी। एक तो डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है, और जिसमें हम सिर्फ जाली डाल रहे हैं और डिज़ाइन नहीं बनाते हैं वो तरीका। तो ये देखिए ये हमारी जालियाँ, देखिए ये बन गई, ये हमारी जालियाँ बन गई इस तरीके से, ये हमारी जाली बन गई। तो अब देखिए मैं वैसे बताऊंगी कि फंदे भी बढ़ जाएं, फंदे भी ना बढ़ें और जाली भी बन जाए। तो दो दो सलाइयाँ दो फंदे मैंने बुने, उसके बाद हम ऊन आगे करेंगे और दो फंदों को हम एक साथ इस तरीके से ये पीछे से बनाएंगे। तो ये हमारी जाली ऐसे देखिए, तो एक फंदा यहाँ पे घट भी गया और एक बढ़ गया, तो ये हमारी जाली इस तरीके से बन गई। फिर से हम तीन या चार फंदे जो भी हमारी डिज़ाइन होगी या जो जैसे भी हमें जाली, अब यहाँ पे मैंने चार फंदे बना लिए। एक यहाँ जाली डाली, एक फंदा घट गया, दो सब बराबर है फंदे। फिर से ऊन आगे किया और फिर से दो फंदों को हम इस तरीके से बुन देंगे। देखिए तो ये यहाँ हमारी जाली बन गई। फिर से हम चार फंदे बना ले रहे हैं। फिर से हम जाली डालेंगे, तो ऊन आगे किया और दो फंदों को ऐसे पीछे से बुन दिया। फिर से हम चार फंदे बनाएंगे। फिर से ऊन आगे किया, ये हमारी जाली भी बन गई और फंदे भी घट गए। अब हम इसे पूरा बुन लेते हैं और उल्टी सिलाई हमारी उल्टी जाएगी पूरी। तो मैं आपको दिखाती हूँ उल्टी सिलाई बनाकर। तो ये देखिए मैंने उल्टी सिलाई पूरी उल्टी कर ली है। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए हमारी जाली बन गई है और फंदे भी नहीं हमारे बढ़े, जितने फंदे थे उतने ही फंदे हैं। तो इसी तरीके से हम जाली बनाते, देखिए मैंने नीचे इतने फंदे डाले थे, यहाँ पे मैंने दो चार सिलाइयाँ बनाई हैं जिसमें मैंने जाली बनाई लेकिन फंदे मैंने घटाए नहीं थे। और जो मैंने ऊपर की ये लास्ट वाली सिलाई बनाई है, तो इसमें जो मैंने बताया आपको कि दो फंदों को हम एक साथ पीछे से बुन देंगे और जाली भी डालेंगे आगे ऊन करेंगे, तो ऐसे हमारी जाली बन जाएगी। तो यहाँ पे हमारे दो और तीन तरीके हो गए जाली बनाने के। और एक तरीका मैं आपको बताऊँ कि जिसमें जो है डिज़ाइन हमारी बनती है तो उस हिसाब से हम जाली डालते हैं। अब जैसे चार फंदे हैं, चार फंदे हमने बनाए जो हमारी डिज़ाइन पे डिपेंड करता है, चार फंदे बनाए फिर उसके बाद हमने जाली डाली, चार फंदे फिर से बनाए
और फिर हमें यहाँ पे फिर से जाली डालनी है। तो हमें यहाँ पे बीच में दो फंदे घटाने होंगे, तब हमारी डिज़ाइन, हमारे फंदे जो प्रोजेक्ट के रहेंगे वो सेम रहेंगे। तो हम कैसे घटाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे जाली डाली है, चार फंदे बुन लिए, तो अब हम दो फंदों को पहले तो एक साथ लेंगे, इस पे उतारेंगे, इस तरीके से देखिए हम लेंगे, और उसके बाद ये हम इस पे चढ़ा देंगे उल्टा। और इसके बाद इस पे पीछे से इसको लेंगे एक फंदा, तो देखिए ये मैंने इसको ऐसे लिया। मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ, ये दो फंदे हैं, तो जब हम जाली इधर भी डालेंगे तो हमें बीच में दो फंदे घटाने होंगे। तो ये दो फंदों को हम ऐसे उतारेंगे और फिर उसके बाद इस सिलाई पे चढ़ाएंगे, और उसके बाद ये पीछे से एक और लेंगे, तीन फंदों का एक बनाएंगे इस तरीके से, और फिर उसके बाद हम चार फंदे या तीन फंदे जो भी बनाने हों, जैसे हमने चार फंदे यहाँ पे बना लिए, और उसके बाद यहाँ पे हम जाली डाल देंगे। तो यहाँ पे ये हमारे इतने फंदे सेम हैं जितने हमें अपने प्रोजेक्ट में चाहिए। तो ना हमारे फंदे बढ़े और ना घटे, जाली भी डाली गई और फंदे भी बराबर हो गए। तो इसी तरीके से हम अपनी जो डिज़ाइन होती है, जिसमें हमें डिज़ाइन भी डालनी होती है और जाली भी डालनी होती है, तो ऐसे ही हम फंदे घटाते हैं आगे और पीछे दोनों लेकर। तो इसी तरीके से हमारी ये जालियाँ बनती हुई जाती हैं। तो ये जो सिलाई होती है ये सीधी जाएगी जैसे भी हम बनाएंगे, और फिर उल्टी सिलाई हमारी बिल्कुल प्लेन उल्टी आएगी। तो इसी तरीके से हम सारी जालियाँ डालेंगे, बढ़ाने घटाने दोनों तरीके से, जैसे भी मैंने आपको बताई। अगर आपको थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।